खोला जाता। देखिए जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपनी फुल स्ट्रेचिंग को कैसे खोलें। जी दोस्तों, यदि आप भी YouTube पर वीडियो देख देख कर परेशान हैं और आपकी स्ट्रेचिंग नहीं खुल रही है, तो इस वीडियो में मैं जो एक्सरसाइज बताऊँगा उन एक्सरसाइज को करने के बाद आपकी स्ट्रेचिंग खुल जाएगी, 100% गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रेचिंग खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि तभी तो आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई, जिनकी हम वीडियो देख रहे हैं उनकी भी स्ट्रेचिंग खुलती है। क्योंकि याद रखें दोस्तों, दो का पहाड़ा वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसे दो का पहाड़ा आता। मेरे कहने का मतलब ये है, जो चीज़ जिसमें मतलब जो भी व्यक्ति जिस चीज़ में पारंगत होता है, केवल उसी चीज़ को वो सिखा सकता है। तो मैं स्ट्रेचिंग सबसे पहले तो आपको खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊंगा। यदि आप उन एक्सरसाइज को यदि करेंगे तो आपकी 100% स्ट्रेचिंग खुल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेचिंग खोल के दिखाता हूँ। देखिए, फुल स्ट्रेचिंग को देखिए इस तरीके से खोला जाता है। देखिए इस तरीके से फुल स्ट्रेचिंग को खोला जाता है। देखिए ऐसे करके आपको ये दिखने में आसान लग रहा, लेकिन दोस्तों इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और दर्द को सहन करना पड़ता है, जब जाके कहीं आपकी फुल स्ट्रेचिंग खुलती है। तो मैं केवल आपको 5 से 6 एक्सरसाइज बताऊंगा, उन एक्सरसाइज को यदि आप करेंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग 100% खुल जाएगी। आपको पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से देखना है और अच्छे से आपको ट्रेनिंग करना है। आपको स्ट्रेचिंग खुलने में याद रखें दोस्तों, आपको जल्दबाजी नहीं करना। देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, रनिंग करना है आपको, और उसके बाद क्या करना है आपको, वार्म अप करना है। सबसे पहले रनिंग करना है और उसके बाद फिर आपको वार्म अप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थाइस बिल्डिंग लगाना। देखिए इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है और ऐसे करके बैठ जाना। देखिए इस तरीके से बैठने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से अपने लेफ्ट वाले पैर को बाहर की साइड निकालना है ऐसे करके, इस तरीके से। और धीरे धीरे क्या करना है आपको, डिप्स लगाना। देखिए ऐसे करके इस वाले पैर को बाहर की साइड और ये जो पंजा है इसको अपनी साइड, और धीरे धीरे डिप्स लगाना है ऐसे करके इस तरीके से। इसके बाद आपको खड़े होना है और उसके बाद ये वाला पैर घुमाना और फिर इस साइड बैठ जाना। देखिए इस तरीके से ऐसे करके, इनसे बोलते हैं थाइस बिल्डिंग एक्सरसाइज। इससे आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ही जल्दी से खुल जाएगी। देखिए इस तरीके से आपको करना है ऐसे करके। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 50 करना है, मतलब सुबह के टाइम 50 और शाम के टाइम 50। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस तरीके से बेंड हो जाना है ऐसे करके और इस तरीके से डिप्स लगाना है। इससे क्या होगा, आपके जो मसल्स रहेंगे वो लूज होंगे। उसके बाद देखिए इसी में लेग चेंज कर लेना। देखिए इस तरीके से, और धीरे धीरे क्या करना है आपको, डिप्स लगाना, पुशअप्स लगाना है। उसके बाद देखिए हील अप पोजीशन में करना, मतलब हील अप हो जाएगी और इस तरीके से बॉडी को पीछे खींचना है ऐसे करके, आगे नहीं रखना है आपको, कहाँ करना है, पीछे खींचना है। देखिए इस तरीके से आपकी स्ट्रेचिंग केवल इसलिए नहीं खुल पाती क्योंकि आप जल्दबाजी करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं और वार्म अप नहीं करते हैं, इसके कारण आपकी स्ट्रेचिंग खुलती नहीं है। तो आपको रनिंग भी करना है, वार्म अप भी करना है और जल्दबाजी नहीं करना है आपको इस तरीके से ऐसे करके। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको ऐसे करके डिस्टेंस लेना है, साइड में हैंड करना है और इस तरीके से करना। देखिए ऐसे करके इस तरीके से आपको की बात आ चाहिए, डिप्स लगाना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए इस तरीके से बैठ जाना है और ऐसे करके आपको करना है इस तरीके से, डिप्स लगाना है। देखिए इस तरीके से उसके बाद अपने राइट वाले पैर को पीछे कर लेना है और पैर क्या करना है आपको, ऊपर की साइड उठाना। देखिए मैं देखिए कम ही उठा के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका अभी कम ही उठेगा। देखिए इस तरीके से, देखिए ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैर को ऊपर उठाना है। उसके बाद ये सेकंड वाला पैर इस तरीके से ऐसे करके, उसके बाद देखिए क्या करना है, इस तरीके से बाहर की साइड पैर को निकालना। देखिए इस तरीके से मैं एक एक दो दो बार करके दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन आपको कम से कम 10 बार करना। देखिए इस तरीके से बाहर की साइड ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी स्ट्रेचिंग खुले, समझ लीजिए आपकी इतनी स्ट्रेचिंग खुल रही है, तो पंजे को आपको क्या करना है, अपनी साइड खींचना है और धीरे धीरे इस तरीके से डिप्स लगाना। देखिए ऐसे करके इस तरीके से आपको करना। देखिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, बार बार स्ट्रेचिंग खोलना। देखिए ये स्ट्रेचिंग खोली, फिर अपन बैठ गए ऐसे करके, फिर स्ट्रेचिंग खोली, फिर बैठ गए अपन। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग खोलना है और पीछे बैठ जाना। देखिए इस तरीके से स्ट्रेचिंग खोली अपन ने पूरी और ये पीछे बैठ गया। उसके बाद इस तरीके से ये एक्सरसाइज करना है, देखिए जिससे आपके मसल्स लूज होंगे। देखिए इस तरीके से अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करना है, इस तरीके से आगे डिप्स लगाना। देखिए ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करना है। जो मैंने वीडियो में बताई है वो यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो मात्र आपकी 2 से 3 महीने, मैं ये नहीं बोल रहा 10 दिन में, 5 दिन में, 2 से 3 महीने लगे और आपकी जो स्ट्रेचिंग रहेगी वो खुल जाएगी, फुल स्ट्रेचिंग खुल जाएगी। लेकिन आपको इसी तरीके से करना, पहले रनिंग करना, फिर वार्म अप करना है और उसके बाद फिर ये
आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करना है। वीडियो पसंद आए उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल है भारतीय मार्शल आर्ट नाम से, जिसपे हम ब्लॉग बना के डालते हैं, डेली के ब्लॉग बना के डालते हैं, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं और उसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।